वेलकम दोस्तों, इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक और नए वर्ड सीखेंगे। पहला वर्ड है अबैश। अबैश का मतलब लज्जित करना। बेबी बहुत छोटा बच्चा, चाहे लड़का हो लड़की। कैबेज, कैबेज का मतलब बंद गोभी। अकाउंट, खाता। चैरिटी, दान। अबेट, कम करना। बैचलर, बैचलर मतलब कुआरा आदमी। केज, केज का मतलब पिंजरा। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब संयोग। बैगर, बैगर का मतलब भिखारी। बैग, बैग का मतलब मांगना होता है। अबॉट, अबॉट का मतलब महंत। बैड मतलब बुरा। काफ का मतलब बछड़ा। एके, एके का मतलब पीड़ा, दर्द देना किसी को। चीप, चीप का मतलब सस्ता। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। आपकी ये एबिलिटी है या आपकी ये एबिलिटी नहीं है। बिल्ड, बिल्ड का मतलब गंजा। कैम्फर, कैम्फर का मतलब कपूर। अचीव, अचीव का मतलब प्राप्त करना। बिहाइंड, बिहाइंड यूज होता है पीछे के लिए। बिहाइंड का मतलब पीछे। फ्रंट का मतलब आगे। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब नीच। बैलून, गुब्बारा। एक्टिंग, अभिनय करना। बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब लाभ। चीयर, चीयर का मतलब प्रसन्नता। हैप्पी, जॉय भी कहते हैं इन्हें। एबल, एबल का मतलब योग्य। बाम, बाम का मतलब मरहम। केन, केन का मतलब गन्ना। एबनॉर्मल, असाधारण। नॉर्मल, साधारण। एबनॉर्मल, असाधारण। बैम्बू, बैम्बू का मतलब बांस। कैपिटल, कैपिटल का मतलब राजधानी। एक्टिव, एक्टिव का मतलब कर्मठ, जो बहुत एक्टिव हो। बेस्ट, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। अगला हमारा शब्द है अबोलिश। अबोलिश, अबोलिश का मतलब नष्ट करना। बैन, बैन का मतलब प्रतिबंध या रोक। कैप्टन, कैप्टन का मतलब कप्तान। एड, एड का मतलब जोड़ना। बिटवीन, बिटवीन का यूज किया जाता है किसी भी चीज के बीच में। अबाउट, अबाउट का मतलब लगभग। बैंडेड, बैंडेड का मतलब, बैंडेड का मतलब है डाक। बर्ड, बर्ड का मतलब चिड़िया। च्यू, च्यू का मतलब चबाना। अवव का मतलब ऊंचे स्थान पर, ऊंचा। बैंक का मतलब किनारा, समुद्र के किनारे को या किसी तालाब के किनारे को, किनारे को बैंक कहते हैं। केयरलेस, लापरवाह। बर्थ, जन्म। बर्थ का मतलब जन्म लेना होता है। चूज, चूज का मतलब चुनना। एब्सेंस, अनुपस्थिति। इसी के साथ मैं आपको आगे, आप इस वीडियो में कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, मतलब पढ़ने के लिए मैं प्रैक्टिस कराऊं कि आगे ट्रांसलेशन कराऊं। आप दोनों चीजों में से क्या पहले करना चाहते हैं ये मुझे बता दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता उन्हें पहले पढ़ना सिखाऊं। पढ़ने लिखने के, पढ़ना सीखने के लिए भी मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है शब्दों की जिनसे हम पढ़ना सीख सकते हैं। तो पहले पढ़ना सीखते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन। तो मैं पहले पढ़ना सिखाना चाहता हूँ, फिर ट्रांसलेशन, ताकि पहले पकड़ बन सके शब्दों पे, उसके बाद फिर हम ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन पहले सीखना है तो पहले आप कमेंट में मुझे बताएं कि आप पहले क्या सीखेंगे, क्या सीखना चाहते हैं। बार्बर, बार्बर का मतलब नाई। कारपेट, कालीन, गलीचा। बिच, कुतिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और ऐसे लोगों को जोड़े जरूर जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से। रीडिंग में बिल्कुल ऐसी रीडिंग कराऊंगा जो बिल्कुल कोई नहीं करा रहा, बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों से। चॉप, चॉप का मतलब टुकड़े करना। एब्जॉर्ब, सोखना। बेसिक, बुनियादी। कैरेट, गाजर। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब निचोड़ सार। पूरा निचोड़ सार मैं आपको कराने वाला हूँ इंग्लिश का, बिल्कुल बेसिक से। आप देख रहे हैं मैं कैसी चीजें, कैसी कैसी चीजें आपको करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं सिखाना चाहता हूँ। बास्केट, टोकरी। कैरी, कैरी का मतलब होता है ले जाना या इकट्ठा करना। एडोर्न, एडोर्न का मतलब सजाना। सिविल, सिविल का मतलब नागरिक। एब्स्टर, एब्स्ट्रो, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मतलब कठिन। बैटल, युद्ध। कास्ट, जाति। एडवांटेज, लाभ। कैरिनेट, कैरिनेट का मतलब शहनाई। शहनाई को कैरिनेट कहा जाता है। इसी तरह से मैं आपको हिंदी पढ़ने, इंग्लिश पढ़ने लिखने का कोर्स करा रहा हूँ, हिंदी भी करा रहा हूँ, जो कि पूरा कोर्स हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और इंग्लिश सीखते रहें, ग्रो करते रहें। एक दिन में कुछ नहीं होता, बहुत दिनों प्रैक्टिस करने के बाद हमारा थोड़ा सुधार आता है। तो प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, उसे लिखें भी जरूर और उन्हें याद भी करें।